हाँ तो भाई सब कंकाल ही कंकाल पड़े हुए हैं वो देखो। तो गाइस अभी हम लोग गुफा के बिल्कुल बाहर आ गए हैं। भाई साहब मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरी ऐसी लुप लुप हो रही है ना। सो गाइस गुफा के अंदर से व्लॉग कर रहा हूँ। वाओ अमेजिंग मैन, मैं बता रहा हूँ अगर गर्मियाँ होती ना तो तुम्हारा भाई अभी उधर अंदर होता। ठंडा पानी है भाई साहब, बिल्कुल ठंडा। और इधर अपना लंच चल रहा है वो भी ऐसी लोकेशन पे। आग जला रखी है बढ़िया सी, क्या बात है, अरे वाह। तो भाई अपनी गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और इस राइड की पहली कुल्हड़ चाय का चीयर्स है जी। चीयर्स टू द लाइफ। हाँ इसकी सख्त जरूरत थी भाई साहब। ऐसे राइड करने में क्या मजा आया। भाई ने बाइक में से इंस्टाग्राम वगैरह देखा, भाई हमारी रील चेकआउट कर रहे हैं तो वहाँ बैठ के चाय पी रहा था, मेरे को आवाज आई। और यहाँ पर दोनों भाई लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर लिया है और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है। तो आप लोगों ने भी अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ, डू फॉलो मी गाइस, वहाँ भी अच्छा अच्छा कंटेंट आता है। और अभी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो लगे हाथ। और स्वागत है जी, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है इन खूबसूरत वादियों के बीच में जी, क्या बात है। तो गाइस फाइनली पहाड़ चालू हो चुके हैं। चाय मिलेगी दादा, दो चाय लगा देना गरम बढ़िया सी। भाई साहब जो मर्जी करो, आज की दिन किस्मत बड़ी अच्छी है, जहाँ भी जा रहे हैं आग जली मिल जा रही है मस्त सेकने के लिए। इस लड़की को देख रहे हो जैसे स्पीति पहुँच गई है, गजब। और व्यू देखो यार सामने का, क्या बात है, वो नदी जा रही है बहते हुए, वो पहाड़ बढ़िया से, मस्त लोकेशन पर ब्रेक लिया है। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं चक्राता की मेन मार्केट में। बस अब यहीं से कोई होटल वगैरह देखते हैं बढ़िया सा, जाना किधर है कोई कुछ बताएगा, इधर ही चलते हैं। तो ये है यहाँ की मेन मार्केट जो कि अभी लगभग आधी बंदी लग रही है मुझे तो। बाकी रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह किधर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चक्राता उत्तराखंड। अभी नहा धो के बढ़िया से रेडी हो चुके हैं, बस बाल सेट करने हैं। और इधर ये लड़की भी क्या बात है, बढ़िया से रेडी हो चुकी है। तो हम लोग बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए, मतलब जिस लोकेशन पे आज हम लोग जा रहे हैं ना गाइस, मेरे को पूरा यकीन है कि आप में से 90% लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा और 99% लोग गए तो होंगे ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन को एक्सप्लोर करने जहां पर बस कुछ ही लोग अभी तक गए हुए हैं। वो जगह है बुडर केव्स। बुडर केव्स है जो कि बहुत ही प्राचीन काल की मैनमेड गुफाएं हैं, और मैनमेड इन द सेंस खुद पांडवाज ने बनाई थी वो। तो वो गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं बुडर केव्स। चलो चलो चलो। ये डिजाइन मुझे अच्छा लगा वुडन का सारा, है ना। गाइस फाइनली निकल चुके हैं, ये है पीछे अपना होटल, क्या बात है। और इधर खड़ी है अपनी बाइक, ये बात देख रहे हो, पर्सनल पार्किंग मिली हुई है। और लोकेशन एक नंबर है यार, व्यू देखोगे यहाँ का, जिधर हम रुके हुए हैं उधर भी बहुत ही बढ़िया। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं बुडर केव्स के लिए, एक घंटा करीब हमें लगेगा। ओ भाई साहब क्या व्यू है हमारे पीछे, गजब एक नंबर, दिखाता हूँ। ये देखो मैंने अभी व्लॉग करते करते देखा, ओ भाई साहब क्या गजब। अरे आएगा क्यों नहीं, इतना पैसा खर्च किया आईफोन में, इसी बात पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम चलते हैं। भाई साहब इतना तगड़ा एडवेंचर हो गया ना, मतलब टाइम हो रहा है 1:15 और यहाँ समझ में नहीं आ रहा रास्ता कौन सा है, पूरा ऑफ रोडिंग है। पिछले 1.5 घंटे से पागल हो रखे हैं बाइक चला चलाते, यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात,
ना हमें बुढ़र केव जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, ना नेट चल रहा है, ना मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा वापस जाएं, इतना दूर आए हैं और 25-30 किलोमीटर बाइक चला चुका हूं मैं ऑलरेडी, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस असुविधा के लिए खेद है, ये है यहां से पैदल का रास्ता, ऊपर वो बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब चलते हैं ट्रैक पे, ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली बहुत हो गंदा वाला एडवेंचर हो गया, पीठ भी दर्द होगी, बाइक भी बोल रही होगी भाई कहाँ ले आया हमें कसम से, उसकी तो हड्डियाँ चटक रही हैं तड़क तड़क। इधर अपना ओए भाई यार, मैं दोस्त बोल रहा था और हमारी बाइक का कांड कर रहा है, बताओ। तो गाइस ये है सही बोर्ड, ये है सही रास्ता, और रास्ते के लिए हमने चिप्स वगैरह भी ले लिए हैं। अब चलते हैं साथ में, हमारा दोस्त भी हमारे साथ ही जा रहा है, आ जाओ भाई चलो। तो फाइनली जाके अपनी एक्सप्लोरेशन सक्सेस होने की लग रही है मुझे। तू है ना, उसको मिल गई साथी। ठीक है भाई, इसको खंबा समझ और इसको कर डाल गीला, कोई दिक्कत नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस ट्रैक स्टार्ट करे हुए हमें करीब हो चुके हैं 15 मिनट, और इस ट्रैक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है, बट सारी स्टीप चढ़ाई है, कहीं पे भी फ्लैट नहीं है, याद रखना। जब से हमने स्टार्ट किया चढ़ी रहे हैं, और ट्रैक करके जिस जगह हम जाते हैं उसको मोयला टॉप कहते हैं, वहीं पे बुढ़र केव्स भी है, और ऊपर इकलौता वर्ल्ड का परी मंदिर भी है, जिसको फेयरी टेम्पल आप बोल लो, मतलब परी का मंदिर, वो भी दिखाएंगे, और इस जगह की हिस्ट्री, इस जगह के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें आपको बताएंगे टॉप पे पहुंच के। ठीक है चलो फिर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भास्कर वर्सेस वाइल्ड में। गौर से देखिए इस लीद को, इस जानवर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारनामा इसी जानवर के द्वारा किया गया है। गजब बेइज्जती है। भाई साहब नेचर की बनी हुई चीजें देखो अपने आप, ये देखो आपको कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट ने मुंह ऊपर करके बना रखा है ना। अरे रहने दे, चुहिया सी लग रही है उसके सामने। चलो हरीश तुझे एक बात पता है, यहाँ की घाटी की एक खास बात है इसकी, बता। यहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपना नाम चिल्लाता है ना, हाँ। सामने से उसके लवर का नाम वापस आता है। अच्छा। हाँ। चिल्ला चिल्ला के देख, मेरा कोई लवर तू चिल्ला सामना। अरे तो वो बताएगा ना, घाटी बताएगी ना, वो तो कुछ भी बोल देगी तेज से, नहीं गूंजती है आवाज देखना वापिस, और तेज उसको सुनाई भी दे, रिंकू टेटू पिंकू सोनू मानू। सही नहीं था, देख ले तेरे सारे सारे तेरे तेरे सारे लवर्स के नाम ले दिए उसने। सही है यार, ट्रैक का तो पता नहीं कहाँ ले जा रहा है कसम से, जिसने भी बोला था ना 3 किलोमीटर का ट्रैक है, सच में जूते मारूंगा मैं उससे, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है ये, मैं बता रहा हूँ। अपने रिस्क पे आना खत्म नहीं होके दे रहा है साला, और पता भी नहीं है सही जा रहे नहीं जा रहे अभी भी, बट एक ही रास्ता है तो हम डॉगी को फॉलो कर रहे हैं। वो कुत्ता जा रहा है हमारे आगे आगे, हम उसके पीछे कमीनों की तरह बस चलते जा रहे हैं, तो कुत्ता कमीना चल रहा है यहाँ पे बस। बाकी ठीक है, हंसी मजाक करते रहते हैं, ठीक है चलो। ओ स्वागत है जी, स्वागत है फाइनली, आप सभी का भी स्वागत है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस मोयला टॉप पे, क्या लैंडस्केप है यार देख रहे हो, ओ भाई साहब
इधर का देख रही, ये तो ऐसा लग रहा है एलियन की स्पेसशिप उतरी पड़ी है पूरी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोइला टॉप। बाकी इधर का व्यू इतना ऑसम है ना, और पीछे हमारे वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हैं पीछे, अभी दिखाऊंगा जूम करके बढ़िया से। एक नंबर, मतलब सारी थकान जो है ना मिट गई यहाँ आके, थोड़ी देर बैठेंगे। तो ये देखो गाइस, वहाँ पे सारी स्नो कैप्ड माउंटेन्स की रेंज है, और इन रेंज के नाम भी है, इनमें से एक पार्वती पर्वत समथिंग समथिंग ऐसे है, तो आप सर्च कर लेना। लेकिन बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है यार, गजब का, मतलब यहाँ से 360 डिग्री व्यू है आपका, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के परी मंदिर पे। आप जो ये जो सारा आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, जितना भी वुडन वर्क वगैरह है ऊपर भी टॉप तक, ये सारा जो है जौनसियारी आर्किटेक्चर है, और काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। देखोगे आप वुडन में डिटेलिंग देखोगे ना, बहुत ही बढ़िया है, देख रहे हो, काफी अच्छा बनाया हुआ है। तो गाइस मंदिर के दर्शन अभी हमने कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं नेचुरल गुफाएं ढूंढने जो स्वयं पांडवों ने बनाई थी अपने हाथों से अज्ञातवास और वनवास के टाइम पे। तो वो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे है, इन्हीं किसी जगह में से पीछे की तरफ होगी, तो अभी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, और वो चीज़ है देखने लायक यार। इसी के लिए हम लोग इतना दूर आए, इतनी जद्दोजहद करी हमने, यही चीज़ हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मज़ा ना आए ना तो पैसे वापस, जो कि आपने दिए ही नहीं है, ठीक है। चलो तो गाइस एक बार फिर से भास्कर वर्सेस वाइल्ड में आप सभी का स्वागत है, और यहाँ पर देखिए गाइस ये किसी जानवर का कंकाल है, और हम गुफाएं ढूंढने निकले हैं, और हमें गुफा छोड़ के पता नहीं क्या क्या मिला जा रहा है, और ये पक्का बाघ ने शिकार किया हुआ है, क्योंकि हमसे बोला भी गया था नीचे टाइम से नीचे वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ बाघ वाघ आ जाते हैं फिर। और गाइस ये इकलौता नहीं था, ये देखो जगह जगह यहाँ पे रिब्स पड़ी हुई है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और मैं भी ऐसा बताऊँ डॉक्टर, और ये देखो गाइस जबड़ा इधर, भाई ये तगड़ा एक्सपीडिशन हो रहा है, ये तो ये तो पूरे में फैला हुआ है, ये क्या सीन है, मतलब जगह जगह पे खाया हुआ है या फिर आई डोंट नो गाइस, बट मुझे अब थोड़ा सा खतरनाक तो लग रहा है ये मामला। बाकी गुफा मुझे लग रहा है मुझे मिल गई है, वो रही गुफा सामने, कोशिश करते हैं अंदर जा पाएंगे। तो गाइस अब ये जो एक्सपीडिशन है ना, एक्सप्लोरेशन है कुछ, भाई यहाँ पे भी एक जानवर की पूरी देख रहे हो आप, कंकाल पड़े हुए, और गुफा मेरे सामने है जो मुझे देखनी थी, एक्सप्लोर करनी थी, अंदर भी जाना था, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक सा होने वाला है। मतलब क्या बोलती है, गुफा मुझे यही लग रही है, जितना मेरे को पता है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा वो लग रहा है, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा मारे हुए हैं यहाँ पे। और गाइज एक जगह और मिली है, यहाँ तो भाई सब कंकाल ही कंकाल पड़े हुए हैं, वो देखो देखेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि अब इसमें जाना सेफ है। मैं काफी मन से आया था इसको एक्सप्लोर करने के लिए, गुफा मेरे सामने है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा मैं। हाँ तो घुस, वापिस नहीं आएगी तो मुझसे मत बोलियो। तो गाइज अभी हम लोग गुफा के बिल्कुल बाहर तो आ गए हैं, हिम्मत करके, अंदर का समझ में नहीं आ रहा, बात मैं ट्राई करूं क्या, पकड़, टॉर्च भी तो नहीं है, मोबाइल भी टॉर्च से पकड़, तू क्या दे रही है, मेरे पास भी फोन तो, ब्रो गुफा है भाई, ब्रो वही है रिजी भाई, गुफा है पूरी है, बहुत बड़ी, अंदर जगह है, थोड़ा सा और अंदर जा रहा हूँ मैं हिम्मत करके गाइस। यस यहाँ पे एक रास्ता है और एक रास्ता इधर है राइट में, ये दिख रहा होगा लेफ्ट में, इससे ज्यादा अंदर जाना मुझे सेफ नहीं लगता, और लाइट भी हमारे पास कम है। तो गाइस यहाँ पे जो है गुफा थोड़ी लंबी लग रही है अंदर जाने का, लेकिन हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो लोकल हो अभी, वो समझ में नहीं आ रहा, इधर भी वे है बट इधर थोड़ा छोटा सा है, इधर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जो कंकाल देखे है ना, तू ट्राई करना चाहेगी रिज? हाँ। मैं तेरे घर वालों खबर पहुंचा दूंगा, ठीक है। नहीं अंदर नहीं जाएंगे, हम मैं फिर भी एक कदम और रखने की कोशिश करता हूँ, रुक जा, वेट, पहले रुक जा। ये पत्थर पता है किसके तरह लग रहा है? वेट, मैं मेरी चश्मे की आवाज है, मेरी फट गई। लिटरली भाई, ओ अमेजिंग गाइस, क्या गुफा, ये देखो भाई साहब, अंदर रास्ता है पूरा, लेकिन यार
हम टॉर्च लाने वाले थे एंड टाइम पे भूल गए, बट फिर भी मुझे इससे अंदर जाना तो सेफ नहीं लग रहा। रिज यहाँ तक आके देखना चाहती है, देख सकती है जल्दी से। अमेजिंग गाइस, रॉक्स देख रहे हो ऊपर, ये देखो क्या फॉर्मेशंस बनी हुई है यार। और ये सारी मैन मतलब उस टाइम की पांडवों की बनाई हुई गुफाएं, हाथों से बनी हुई गुफाएं। अमेजिंग यार, आई एम सो लकी कि मुझे आने का मौका मिला, मैं एक्सप्लोर कर पाया इस चीज़ को यार। मतलब दिल से अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स मेरी फट रही है, मैं जेन्युइनली बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी हार्ट बीट को सुने ना इस वक्त। वाओ अमेजिंग मैन, अमेजिंग। इधर भी रास्ता है गाइस, ये देखो, बट इधर थोड़ा रेंग के जाना पड़ेगा जैसे। हाँ पानी तो रिसेगा ही गुफा में। अब थोड़ी सी हिम्मत मेरी बढ़ी है गाइस एक्सप्लोर करने की, बट इधर मुझे मान लग रही है लिटरली। है यहाँ पे कुछ चमक सा रहा है। ओ ये तो बहुत लंबी है गाइस, ये बहुत लंबी गुफा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा लंबी। लेकिन ये जो फॉर्मेशंस बनी हुई है ये अमेजिंग है, देखने लायक है। अमेजिंग। सो गाइस गुफा के अंदर से व्लॉग कर रहा हूँ, लिटरली फट तो रही है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। एक मतलब हिस्ट्री को अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि हजारों साल पुरानी गुफा, और मेरा फर्स्ट टाइम है पांडवों के हाथ से बनी हुई गुफा। देख रहे हो रॉक फॉर्मेशन देख रहे हो पीछे की, अमेजिंग यार। मतलब मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब मेरी थोड़ी सी जो है ना, मतलब देखोगे रोशनी हटाना तो अंधेरा हो जा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा जिगरा खुला है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर टॉर्च वगैरह नहीं है कुछ, मोबाइल की रोशनी से इतना अच्छा दिख नहीं रहा। तो अब हमने डिसाइड किया है काफ़ी हो गया, अब हम लोग बाहर चलेंगे, जिस चीज़ के लिए हम आए थे आखिर हमने एक्सप्लोर कर लिए। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यस अगर यहाँ आओ ना एक्सप्लोर करने के लिए तो पूरे ग्रुप के साथ आना, अकेले आओगे आप लोगों की फट जाएगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ। एक तो कंकाल देखोगे आसपास, इतने सारे कंकाल हैं, बट फिर भी वी बोथ आर लकी कि हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन हिम्मत करी हमने गए, अच्छा लगा। क्योंकि इतनी दूर हम इसीलिए आए थे, इतनी जद्दोजहद करी थी, तो ये है गुफा का रास्ता। तो वैसे मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा ना कि यार इतनी अच्छी साइट है ना, बट यहाँ पे ना मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है ये जगह, बट बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है, कहीं बोर्ड्स भी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के आना पड़ता है, खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती है। बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एक मास्टरपीस है इतिहास का। तो गाइस अब मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ बुधर गुफाओं के बारे में और हिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि चक्राता से 30 किलोमीटर की दूरी के लगभग आपको ये गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके इतिहास पे। तो गाइस इस जगह को भी मोयला टॉप भी कहा जाता है और इन्हें मोयला केव्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज थी वो एक जर्मन नागरिक मोयला ने की थी, तो उसी के नाम पे इस केव का नाम पड़ गया। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा पहले की है, ये महाभारत काल में जब पांडवास को अज्ञातवास और वनवास मिला था उस टाइम पे उन्होंने ये स्वयं अपने हाथों से बनाई थी खुद। तो आप सोच सकते हो मतलब कितनी मेहनत लगी होगी। और ये 150 मीटर लंबी है अंदर लंबाई में, और ये बनी है चूना पत्थर की। तो यस ये इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है, होप करता हूँ आपको जानकर अच्छा लगा होगा, और आपको वंस इन अ लाइफ तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यस रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जब आप आओगे ना तो सारा पैसा वसूल और थकान भूल जाओगे अपनी, ग्रुप के साथ आओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। सो गाइस फाइनली ट्रैक कंप्लीट करके आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 4:35, और अंधेरा देखो यार जंगल के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे 6 बजने वाले हों लिटरली, और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैक, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है यार ये 30 किलोमीटर का जो ऑफ रोड है ना, कसम से मतलब कहीं कहीं पे आधा 1 किलोमीटर के लिए रोड है, पूरा ऑफ रोड है, और हमारी कमर की लग चुकी है, पहले हमने इतना चलाया। चलो कोई बात नहीं, पूरा करेंगे। ओके 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 सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो गाइस आज है अपनी ट्रिप सेकंड डे, और क्या अमेजिंग, क्या ब्यूटीफुल, क्या सुंदर सी जगह है यार। छोटा सा प्लेस है लेकिन बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो गाइस फिलहाल आज का अपना सीन क्या है कि आज हम लोग जा रहे हैं चक्राता की फेमस जगह, मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन टाइगर फॉल। तो आज हम जाएंगे टाइगर फॉल, वहां के लेंगे कुछ बढ़िया से नज़ारे, और साथ साथ
आपको भी देंगे। एक बहुत ही जरूरी सूचना मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, अगर आप लोग चक्राता आते हैं स्पेशली विंटर में, तो याद रखना कि 7 बजे से लेकर 7:30 तक लास्ट यहाँ की मार्केट वगैरह क्लोज हो जाती है। तो कल हम लोग भी रात को मार्केट गए थे, हम लोग किस्मत से थोड़ा जल्दी चले गए तो हमें मोमोज वगैरह मिल गए, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है ख़त्म थी। वैसे भी ये लोग थोड़ा थोड़ा ही बनाते होंगे, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते नहीं है, बट प्लेस एक नंबर है, तो आना जरूर एक्सप्लोर करना। गाइस मुझे सबसे अच्छी वॉल लगी, सबसे अच्छा बैकग्राउंड लगा इस होटल का, तो मैंने लगा यार यहाँ पे एक बार व्लॉग जरूर करना चाहिए। यहाँ पे हमने अभी कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी, जो देखने को मिलेंगी आपको कहाँ, इंस्टाग्राम। यस, तो जाओ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और इसे भी कर लेना @ridge80da, और तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो बढ़िया से। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, आपसे मिलेंगे रास्ते में, मोटो व्लॉग करते हुए अभी तुरंत मिल रहे हैं, चलो। और भाई हम चलाए ना चलाए हमारी बाइक्स बंदर जरूर चला रहे हैं। ओए क्या कर रहा है भाई, देख रहे हो क्या मजे ले रहे हैं बाइक पे, चले गए। और ये है MRB रेजिडेंसी जहाँ हमने स्टे किया था, काफ़ी अच्छा स्टे है। एंड लुक एट द ब्यूटी गाइस, यार इस बाइक से तो मैं जितनी राइड कर रहा हूँ ना मुझे और ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। मतलब कल हमने कितना ऑफ रोडिंग करी ना रिज, इसमें रिज को बच्चा पसंद आ गया, उठा के ना ले जाए यहाँ से। हाँ, तो हमने इतनी ऑफ रोडिंग करी इस पर कल, 60 किलोमीटर पूरी ऑफ रोडिंग हम। तो लो भाई टाइगर फॉल जाते जाते एक और आनंदमय व्यू का आनंद ले लो आप लोग, जो देख रहे हो क्या माउंटेन पीक्स दिख रही हैं यार यहाँ से, अमेजिंग व्यू है। और गाइस मुझे लग रहा है इस ट्रिप के सारे व्लॉग्स का, मोटो व्लॉग्स का स्पेशली कचरा हो गया, और आप देखोगे ना तो वीडियो इसमें ना प्ले नहीं हो रही थी। अभी जब मैं ये देखो कार्ड एरर प्लीज़ फॉर्मेट बोल रहा है, और इसमें हमारी काफ़ी सारी वीडियोस थी जो ये नो इमेज दिखा रहा है, अब काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस थी यार। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्मेट करूँगा तो क्या दिक्कत है, अब आगे बनाऊँ ना बनाऊँ। सारी मेहनत पे जब पानी फिरता है ना कैसा लगता है ना, अभी वैसे ही लग रहा है। अभी टाइगर फॉल हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ही है, मैं कह रहा वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रही, अभी ओपन करके देखा इसको तो इसमें कार्ड एरर आ रहा है, और ये कह रहा है फॉर्मेट करने की, मतलब सारा डाटा जो है हमारा उड़ जाएगा। और बिना मोटो व्लॉग के आपको बीच में से मज़ा नहीं आएगा, फ़ोन के दिखाऊंगा तो। हाँ तो भाई लोगों थैंक्स टू गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैंने एक बार कार्ड निकाला और फिर दोबारा डाला तो यस फाइनली वीडियो भी बन रही है और हमारा डाटा भी सेफ है, तो थम्स अप। और बाकी अभी हम लोग कैंटोनमेंट एरिया से बाहर निकल के आ चुके हैं टाइगर फॉल की सड़कों पे, बाइक मैंने बंद कर रखी है, ढलान है सारी, तो यस पेट्रोल बचाएंगे। व्यू देखो यार सामने, देखोगे स्नो कैप्ड माउंटेन्स वगैरह, वादियाँ, खूबसूरती खूबसूरती। मतलब यार अगर आपको पहाड़ों से प्यार नहीं है ना तो फिर किससे प्यार करोगे, समझ रहे हो क्या बात है। रोमांटिक हो गया ना मैं थोड़ा सा, पहाड़ों को लेकर हुई मैं। वेलकम है टाइगर फॉल में, स्वागत है सभी का। तो गाइस फाइनली टाइगर फॉल पहुंच चुके हैं, बाइक लगाते हैं पार्किंग में, यहीं से हम जाएंगे ट्रैक करके। गाइस आप टाइगर फॉल आते हैं तो यहाँ पे 30 रुपये का टिकट लगता है एडल्ट्स का, बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख लेना पॉज करके एक बार। बाकी रास्ता इधर से है ट्रैक का, अगर आपको नीचे तक बाइक या कार ले जानी है तो ये रास्ता भी जा रहा है पूरा फॉल तक। तो गाइस बढ़िया से पहुंच चुके हैं टाइगर फॉल के पास, टिकट वगैरह भी ले लिया और खाने पीने का सामान भी हमने भर लिया अपने बैग में, नीचे जाके मस्त खाएंगे पियेंगे। नीचे भी शॉप से वैसे तो बोल रहे थे, बाकी टाइम फिलहाल हो रहा है अभी 12:18, तो चलते हैं ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये रास्ता जा रहा है, अच्छा रास्ता बना हुआ है पूरा नीचे टाइगर फॉल के लिए, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और नज़ारे देते हैं आपको भी टाइगर फॉल के। बाकी वादियाँ देखो यार क्या सुंदर वादियाँ हैं, गजब है ना, एक नंबर। ठीक है ट्रैक स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। एक शॉट के लिए देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है, ना भाग जाओ फोन उठाओ वापस आओ। हाँ इसी बात पे मेहनत के लिए लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा वीडियोस में। मज़ा आया, और लड़की ने भी कुछ बोला था, क्या बोला, चैनल
सब्सक्राइब। यस, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। 5000 सब्सक्राइबर कराने जल्दी से। तो गाइस, इस ट्रैक में भी हमें हमारा दोस्त मिल चुका है, आगे आगे जा रहा है, हमें गाइड कर रहा है साथ में ही। कुत्तों की ये अच्छी आदत होती है यार। इस तुझे इतनी बार बोला है ना मैंने, ऐसे जगह पे आती है ना कभी सर गंद मत मचाया कर यहाँ पे। ये क्या करके गई है सुबह, तू ये देखियो सारा, ये देख आई है और देखो क्या कर दिया तूने यहाँ पे। क्या है ये, घर से करके नहीं आ सकती? होटल में तेरे पे था नहीं, तेरे रूम में भी था ना वॉशरूम? तो यहाँ मत किया कर गंदे काम। वो भी चल रहा है हमारे साथ, वो बेचारा देख कितनी साफ सफाई से चल रहा है। Right. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं टाइगर वाटरफॉल पर। मेरे सामने जो नजारा है ना, मतलब वाटरफॉल का, बहुत ही फोर्स से पानी गिर रहा है और यहाँ तक मतलब ये है कि बूंदे जो होते हैं ना, फुहारे उड़ के आ रही हैं। अच्छा सा लग रहा है, मतलब मेहनत सफल हो गई। ट्रैक ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी है। बाकी पानी की आवाज़ तो आप लोग सुन ही रहे होंगे यार, भाई साहब गजब। देखियो रेनबो बन रहा है, देख झरने के अंदर वो देख रहा बीच में रेनबो, मज़ेदार व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप भी इंजॉय करो। तो लो जी लो गाइस, एक और बेहतरीन सा नज़ारा आप लोगों के सामने पेश है। क्या बात है यार, कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और इतने फोर्स के साथ जो फुहारें आ रही है ना, स्पेशली वो रेनबो देखो, दिख रहा है मोबाइल में? ये देखो, ये रेनबो देखो, कितना अच्छा लग रहा है यार। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैं बता रहा हूँ, अगर गर्मियाँ होती ना तो तुम्हारा भाई अभी उधर अंदर होता। लेकिन बहुत ही अमेजिंग यार, पानी की आवाज़ में पता नहीं मेरी आवाज़ इतनी क्लियर आ रही है नहीं आ रही, बहुत ही बढ़िया। गाइस एक नंबर व्यू, मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, देख के अच्छा सा लगा ना दिल को, वो वाली बात है। क्या बोलती है, अच्छा लगा? अच्छा। अब हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की दूसरी साइड, उधर से भी मजे लेते हैं, है ना? ओ भाई साहब, इतनी तेज हवा, फुहारे आ रही है, जैकेट उड़ रही है, ये देखो स्प्लैश आ रहे हैं पूरे के पूरे। पता नहीं मेरी आवाज भी आ रही है नहीं आ रही, काफी तेज बोल रहा हूँ वैसे तो मैं। भाई आजा, अरे भाई साहब पास, स्किन पे भी पानी पानी हो गया पूरा। तो गाइस फाइनली हम लोग टाइगर वाटरफॉल पे आ चुके हैं। मेरे पीछे टाइगर वाटरफॉल है, बहुत ही अमेजिंग यार, इतने फोर्स के साथ पानी गिर रहा है ना। अभी मैं वहां गया था स्प्लैश के पास, मैं पूरा भीग चुका हूँ फ्रंट से हल्का हल्का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रेनबो भी हमने देखा इसमें, आप लोगों ने भी देखा होगा। बाकी फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ टाइम तक बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। बाकी व्यू कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज अभी मैं गया था वाटरफॉल के पास, कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई है। हमारे बैक साइड में वाटरफॉल है, पूरा भीग चुका हूँ मैं, पैंट तो पूरी भीगी हुई है नीचे से, लेकिन एक एक नंबर फोटोज़ आई हैं और रील्स बनी है जो कि मिलेगी देखने को इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं लंच, वो भी ऐसी लोकेशन पे है। और इधर अपना लंच चल रहा है, लड़की चालू हो चुकी है, हमारे पास एक चिप्स बन मस्का कोल्ड ड्रिंक्स। और लोकेशन देखो यार, हमारे सामने का व्यू है टाइगर वाटरफॉल, इससे बढ़िया लाइफ क्या ही हो सकती है यार, खूबसूरत। चलो लंच करके मिलते हैं। Cheers to the life.
और कसम से गाइस, अगर सर्दियाँ नहीं होती ना, मतलब गर्मियों में मैं आया होता तो यहाँ तो नहा ही रहा होता मैं डेफिनेटली, लेकिन अभी भी मुझसे नहीं रुका जा रहा है। जींस वींस मेरी भीगी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ एक चक्कर तो मैं अंदर जाऊँगा ही जाऊँगा। जूते मैंने उतार दिए, चलो चलते हैं अंदर। हालांकि स्प्लैश आ रहे हैं, उससे गीला हो जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, स्प्लैश देखो कितने तेज उड़ रहे हैं। ठंडा पानी है भाई साहब, बिल्कुल ठंडा, गजब, लेकिन अच्छा लग रहा है। देख रहा है विनोद, देख रहा है कहाँ आ गए हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग अब ट्रैक बैक कर रहे हैं वापसी ऊपर के लिए। टाइगर फॉल का अपना सफ़र हुआ पूरा, अभी टाइम हो रहा है 1:43, लगभग एक घंटा हम पूरा यहाँ थे और मैं तो पूरा भीगा हुआ, ये भी भीगी हुई है, जींस भी, ये लड़की सूखी सूखी जा रही है, लेकिन ठीक है। वो नहीं जा रहा, तू जा रही है, वो वही है, तू जा रही है, तुझे रुकना है तो रुक जा यहीं पे। तो गाइज यहीं पे आपको टाइगर वाटरफॉल पे भी नीचे एक कैंटीन मिल जाएगी, यहाँ ब्रेड ऑमलेट बन मस्का सब चीज़ मिलेगा, मैगी वगैरह। हमने भी अपना ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर कर दिया है, तब तक बाहर वेट करते हैं। तो लो जी लो, इधर आ चुका अपना गर्मा गर्म अंडा ब्रेड और ऐसे नज़ारे के साथ, बगल से बह रही है नदी, सामने वादियाँ और इधर ब्रेड ऑमलेट। चलो इसको ख़त्म करते हैं, चल भाई टूट पड़। गाइस फाइनली पेट पूजा भी हो चुकी है, पेट हो चुका है बिल्कुल टाइट, काफ़ी खा पी लिया मस्त, अब वापस ट्रैक कर रहे हैं ऊपर को, तो चलते हैं ट्रैक ख़त्म करते हैं, वही सेम चीज़ें तो दिखाएंगे नहीं आपको, है ना। बाकी फ़िलहाल टाइम हो गया 2:15, तो करीब आधा घंटा लगेगा हमें ट्रैक कंप्लीट करने में ऊपर को। बाकी जब तक हम ट्रैक करते हैं, आप तब तक एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको टाइगर वाटरफॉल, और लाइफ में एक बार आना भी ज़रूर यहाँ पर घूमने के लिए, है ना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो फिर, एक दो तीन। यस गाइस, तो फाइनली टाइगर फॉल लोकेशन भी कवर कर चुके हैं, ट्रैक भी कंप्लीट कर चुके हैं। यार क्या अमेजिंग व्यू था, क्या नज़ारे थे, है ना, मज़ा आया ना, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से रही। होप करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, मज़ा आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना यार, और सब्सक्राइब कराओ, 5,000 का टारगेट, यस याद रखना, जल्दी से कराना है, अपना प्यार दो यार। तो फिलहाल इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया यार, देखो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूमना फिरना, और मुझे वैसे भी पहाड़ों से प्यार है, तो होप करता हूँ आप लोगों को भी आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो फिर मिलेंगे, क्योंकि आज का प्लान अपना ऐसा है कि यहाँ से जाएंगे, होटल से लगेज वगैरह उठाएंगे, बाइक रेडी करेंगे और 4:30 बजे तक निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ठीक है फिर, बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी।